वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं मतलब ऐसे बैठा हुआ था और बाहर देख सकते हैं आप बारिश हो रही है यहाँ पे एकदम मस्त करके और हल्की हल्की धूप भी निकल रखी है। तो बारिश हो रही है और मस्त लग रहा है, मतलब ठंडा हो जाएगा शायद आज मस्त करके, फिर ठंडा हो जाएगा रात को। शायद से हम ए सी चलाएंगे वरना तो नहीं चलाएंगे, देखते हैं फिर। और क्या मस्त लग रहा है, एकदम मस्त बारिश हो रही है, बड़ी ज़्यादा तेज नहीं हो रही, थोड़ी थोड़ी हो रही है, मतलब मीडियम हो रही है, तेज नहीं हो रही ज़्यादा। लोग बोलती है तेज होने लगी हल्की हल्की, तो हम तो अंदर चलते हैं खैर। और फिलहाल यहाँ पे चाय बन रही है, आप देख सकते हैं इसके अंदर चाय और यहाँ पे कप है जिसमें से ये मेरा है। और हम यहाँ पे ऐसे ही बैठे हैं, मतलब मस्त करके, मतलब ऐसे हम बैठे हुए थे, हमने फली साफ करी थी, देख सकते हैं आप, ये सब कचड़ा है और ये वाला है जो दूसरी साइड वो है फली, ये साफ करी थी हमने। हम ऐसे साफ करते थे, मतलब उबाल के नहीं करते थे, ऐसे करते थे। आज हमने बॉईल करके करी तो आराम से हो गई और अच्छे से भी हो गई। तो अभी मम्मी और मैं जस्ट अभी करके हटे थे और मम्मी यहाँ पे लेटी हुई है, देख सकते हैं आप कितनी मोटी हो रही है, खाती है लेट जाती है, बस ये मोटी हो गई है। तो पता नहीं मैं कब होऊंगा, अभी बज रहे हैं दोपहर के 11 और दोपहर को तो नहीं, अभी एएम हो रहा है सुबह के 11। तो अभी हम जा रहे हैं इंस्टीट्यूट पे, जहाँ पे इंजीनियरिंग ट्यूशन जाती थी, हमें वहाँ पे जाना है। तो चलते हैं फिर, वहाँ पे कुछ काम है उसे, तो चलते हैं फिर, लेट्स गो। सो गाइस अभी हम बाहर आ गए हैं, तो चल रहे हैं अब गली में ही हैं अभी, तो हम चलते हैं फिर। और खैर मम्मी तो ऊपर थी, वो अचार बनाएंगे आम का, तो उसकी थोड़ी तैयारी कर रही थी। हम चलते हैं इंस्टीट्यूट जाने में, तो चलते हैं फिर, लेट्स गो। सो गाइस अभी हम साइकिल वाली गली में आ गए हैं, ये आप आगे देख सकते हैं साइकिल वाली गली है। तो अब हमें यहाँ से जाना सीधा जाके, फिर पचपुटा आ जाता है, तो चलते हैं फिर, ठीक है, तो चलते हैं फिर। सो गाइस अभी हम पचपुटा पे आ गए हैं और इंस्टीट्यूट भी आने वाले पास में ही है, तो चलते हैं फिर वहाँ पे जाके। हमें मतलब हमें तो नहीं, एंजीनियर कुछ काम है इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पे जाना है हमें। फिलहाल धूप भी बहुत तेज हो रही है, चलते हैं फिर। सो गाइस अभी जो हमें काम करना था, मतलब इसको वो मतलब कुछ काम था इसका, तो वो इसने कर लिया है, फीस वीस देनी थी वो सब हो गया है। तो अब चलते हैं वापस घर पे, लेट्स गो। सो गाइस आप देख सकते हैं बस हम घर पहुंच ही गए, बहुत पास आ गए हैं, आ गई गली है बस, देख सकते हैं आप, चलते हैं फिर, लेट्स गो। सो गाइस आप देख सकते हैं अभी हम गली में घूम रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, और अभी हम ऐसे ही घूम रहे हैं, तो मस्त करके वॉक कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या होगा मस्त करके वॉक में, क्या मस्त सीन हो रहा है। और सबके गेट के यहाँ पौधे रहते हैं, ये आप देख सकते हैं, इधर भी है, इधर भी, और ये पता नहीं किसका, ये सीमेंट वीमेंट आ रखा है, तो ये अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, बहुत दिनों से देख रहा हूँ मैं, डॉग ही जाके सोते हैं बस, यानी किसका। और ऐसे ही हम घूम रहे हैं, अभी नेहा दीदी भी हैं आज मेरे साथ, तो एकदम मस्त करके हम घूम रहे हैं, मज़ा आ रहे हैं, फील हो रहा है एकदम मस्त करके। तो सुबह शायद से ऋषभ के साथ जाऊंगा मैं वॉक पे, अगर वो आया तो, बोला तो ऐसे कर रहा ठीक है आ जाऊंगा, देखते हैं। फिलहाल तो अंधेरा बहुत हो रहा है यहाँ पे, मतलब कैमरे में अंधेरा बहुत दिख रहा है, वैसे इतना अंधेरा नहीं है इधर, मतलब अगर आप अपनी मतलब आप बिना कैमरे के आओगे, अगर आप यहाँ पे होगे ना अपनी आंखों से देखोगे तब आपको पता चलेगा इधर इतना अंधेरा नहीं, तो कैमरे में दिख रहा है, कैमरे में कुछ ज़्यादा अंधेरा दिख रहा है, पर इतना है नहीं असलियत में, मस्त हो रहा है वैसे तो एकदम मस्त करके। और चलिए आज गिनते हैं हमारी गली में कितने घर हैं, ओके, उधर से आते समय गिनते आएंगे कितने घर हैं, ओके, चलते हैं पहले तो उधर। एक नंबर का लग रहा है वैसे, इतने इतने टाइम ना घूमने का अलग ही मज़ा होता है, एकदम सेटिस्फेक्शन सी मिलती है, एकदम शांत होता है और हवा चल रही होती है हल्की हल्की ठंडी ठंडी, एकदम मस्त होता है, इसलिए इतने टाइम घूमने का ना मज़ा ही अलग है। चलते हैं गिनते हैं फिर, फर्स्ट ऑफ ऑल 1, 11, 2, 3, 4, 5, पाँच हो गए, 6, 7, 8, 9, 9 हो गए,
और गिनते हैं। अभी तो ये आठवां था, ये नौवां, और देखते हैं और कितने हैं। 10, 11, ये इतना बड़ा से 11 है, 12, तो एक ये है 12, और देखते हैं आगे चल के। आगे चलते हैं, लेट्स गो। और खैर गली में चार ही खंबे हैं, बस चार भी नहीं, तीन ही हैं, और 11 हो गए थे ये, 12, 13, 14, 15, तो गली में टोटल 15 घर हैं। और यहाँ पे आर्ज भी आ गई है, ऐसे करती आ गई, ऐसे करती है मेरे को देखने के लिए, इसके उसकी आंखों से दिखाई नहीं देता, ऐसे कर रही है देखो, लिटरली चश्मा उतार के दिखाता हूँ, ऐसे आंखें ऐसे करती हुई आ रही, पता नहीं इस कहते हो रही है इसकी तो बिल्कुल अलग ही, पता नहीं क्या है। तो खैर मस्त लग रहा है यहाँ पे तो, एक नंबर का। और इस साइड पे आप सोच रहे होगे इस साइड पे ज़्यादा लाइट है, उस साइड पे कम क्यों है, क्योंकि इधर दो लाइट है, एक उधर भी है एक इधर भी है, मतलब इस साइड पे दो हैं उधर भी एक है, तो इस वजह से इधर ज़्यादा रोशनी होती है, मस्त लग रहा है बिल्कुल। और क्या ही बोलूँ, सब के आगे घर के आगे आप देख सकते हैं पौधे हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी का ध्यान रखा गया है, बताओ यहाँ पे भी है, और उसके अंदर तो भाई क्या पेड़ है, और ये पेड़ बहुत बड़ा था, अब इसको काट दिया गया है, और तो और इसमें बहुत सारे वो गड्ढे भी हो रखे हैं, ऐसा लगता है सांप है उसके अंदर, पर शायद से है नहीं। और तो आप वहाँ पे देख सकते हैं अंजलि भी आ गई है अब हमारे साथ, तो अभी ये भी घूमेगी शायद इधर ही, ऐसे ही वॉक करेंगे। एक नंबर का लगता है मस्त सा, तो घूमने में मज़े भी आते हैं बहुत ज़्यादा, तो घूमते हैं हम तो खैर एक नंबर का। ओके तो गाइस अभी हम चारों घूम रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं हम चारों हैं, तो स्मेल आ रही है ना, अभी तो नहीं आती, बिल्कुल अजीब सी, बहुत गंदी चीज़ है, उल्टी कर दी इसने, मैंने उल्टी करी है, कितनी अजीब सी स्मेल है। नहीं कई बार बस में मेरे को हुई है ना उल्टी, कई बार मेरे को बस में उल्टी हुई है, इसलिए मेरे को पता है कैसी स्मेल होती है, तो इतनी गंदी सी स्मेल, पता नहीं कैसे, खैर छोड़ो इसे। सो गाइस अभी रात के 10 बज रहे हैं, और अभी हम ऐसे रस्सा कूद रहे थे यहाँ पे स्पिकिंग रोप, देख सकते हैं आप, तो हम अभी इसलिए ऐसी कूद रहे थे, थोड़ी एक्सरसाइज कर रहे थे, और हम थोड़ा घूमेंगे। तो इस ब्लॉग को करता हूँ मैं ही पेंड, मिलेंगे किसी और एक ने ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।